नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं एक बैलनो कार का एक्सीडेंट हो गया है और वह हमारे वर्कशॉप पे आई हुई। तो दोस्तों देखते हैं हम कार को। दोस्तों ये कार जो है बैलनो आगे से राइट साइड से डिवाइडर में लड़ी हुई है। कार इसकी लाइट बम्पर सब टूट गए हैं। इधर से नीचे से थोड़ा से जो दिख रहा है इसका एक्सल भी टूटा हुआ है। तो एक्सल रिपेयर तो होता नहीं है, उसको हमारे यहाँ नया लगाया जाएगा। और बम्पर ये साइड से भी इसका फट गया है पूरा बम्पर। और इसका जो फेंडर है, फेंडर लाइन, एक्सल, सस्पेंशन सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इधर राइट साइड से पूरा का पूरा एकदम देखिए, नीचे से पूरा जो है इसका टूट गया है। ऑयल भी गिर गया है पूरा इसका। तो इंजन बच गया है क्योंकि कस्टमर जो है उसी समय गाड़ी को रोक दिए हैं। स्टार्ट गाड़ी बंद हो गई है तुरंत और उसके बाद से गाड़ी चली नहीं है। तो इंजन बच गया है, बाकी उसका सब कुछ डैमेज हो गया है। इधर आर्म्स जो है, बैलेंस राड है, लिंक राड इधर है, शॉकर। और ये पीछे से इसका कुछ हम इसका दिखा रहे हैं आप लोगों को कि दिखा रहा, थोड़ा सा दरवाज़ा भी इसका डेंट हो गया है साइड से। तो इंजन सेफ बचा हुआ है। ये गाड़ी जो है हमारे यहाँ क्लेम में बनेगी, क्लेम होगा इसका। सर्वेयर आएंगे और इसको पास करेंगे तब जाके इसका बम्पर नया लगेगा पेंट होकर के उसके बाद फिटिंग होगा बम्पर। तो बम्पर होल्डर भी दोनों साइड का नया लगेगा इसमें। और इस साइड से इसका कोई डैमेज नहीं है, चक्का वगैरह जो है, व्हील कवर सब कुछ ठीक, लाइट वाइट सब कुछ एक साइड से सब कुछ ठीक है इसका है। और इंजन जो है, रेडिएटर, कंडेंसर वगैरह सब कुछ इसका डैमेज हो गया है। देख रहे हैं कूलेंट गिर गया है इसका और रेडिएटर कंडेंसर जो एकदम पूरा इंजन में सट गया है। और जो इधर से जो है आपका, तो पूरा गाड़ी फिट हो जाएगी और नया होगा, फिर DU आएगा। उसके बाद हम लोग गाड़ी को फाइनल फोटो करके गाड़ी को छोड़ते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, गाड़ी को डिसमेंटल करते हैं और डिसमेंटल करेंगे इसका बम्पर, लाइट सब कुछ खोल के निकालेंगे इसका पारा। देखो लाइट निकाल दिए हैं, बम्पर भी खोल देंगे और रेडिएटर भी खोलेंगे, इसका कंडेंसर भी खोलेंगे, रिंग देख रहे हैं कितनी टेढ़ी हो चुकी है, फेंडर भी खोलेंगे इसका और पूरा पारा इसको बारी बारी से पेंट करके लगाएंगे। और पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाने के बाद हम गाड़ी को कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।